ग्रीटिंग्स एवरीवन, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मिहिदाना के बारे में, एक जीआई टैग्ड प्रोडक्ट जो कि वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है। हाल ही में इसे बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस बनता है इस बात का, साथ ही में जीआई टैग प्रोडक्ट्स को क्या डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है इंडिया में, क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इनके एडवांटेजेस हैं और क्या पोटेंशियल है, सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। साथ ही मैं जो भी रीसेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारे जीआई टैग्स अवार्ड किए गए हैं सारे डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में जीआई टैग प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं ट्वीट करके बताया गया था कि मिहिदाना का जो फर्स्ट बैच है वो बहरीन के लिए एक्सपोर्ट कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन ए चाखाओ ब्लैक राइस जिसे कहा जाता है, ये मणिपुर को बिलोंग करता है। बंदर लड्डू यह आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। अरनमुला कन्नड़ी यह आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। साथ में वर्धमान सीताभोग वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है। आप अपना आंसर कमेंट में डाल सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर आपको बताने वाला हूं। चलिए क्या हुआ है, देखिए समझिएगा। जीआई टैग्स को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट कंसाइनमेंट जो कि जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है मिहिदाना, जो वेस्ट बंगाल को बिलोंग करता है, जो स्वीट डिश है बेसिकली, उसे पहला जो उसका कंसाइनमेंट है वो बहरीन एक्सपोर्ट कर दिया गया है। इसी की आप फ्लैग ऑफ सेरेमनी देख सकते हैं। ठीक है, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि बहुत सारे वैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं, पर इसका सिग्निफिकेंस क्यों बनता है, एक्सपोर्ट से क्या होता है, यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज जीआई टैग। जीआई टैग बेसिकली है क्या, एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है वो एक साइन होता है जो प्रोडक्ट पे यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में एक जीआई टैग का साइन दिख रहा है आपको, ये लोगो अटैच किया जाता है जिससे उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिकिटी ऑथेंटिसिटी, साथ में वो जिस लोकेशन को बिलोंग करता है उसकी ओरिजिनैलिटी का पता चलता है। जो उसके अंदर क्वालिटीज है, उसकी रेपुटेशन, सारी इस टैग से रिलेटेड रहती है। इन शॉर्ट, एक लोकल प्रोडक्ट को एक ब्रांड दे देना, वो होता है हमारा जीआई टैग। क्लियर है बात। साथ ही में जो क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रेपुटेशन इस प्रोडक्ट के साथ आती हैं, ये उस प्लेस ऑफ ओरिजिन की वजह से आती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें रसगुल्ला की, तो रसगुल्ला बेसिकली दो जगह फेमस है काफी ओरिजिनली। रसगुल्ला जिसे कहा जाता है बंगाल में और उड़ीसा में, तो उनका जो ओरिजिन है, उनके जो लोकल प्रोडक्ट्स है जो बहुत रिच क्वालिटी के होते हैं, बहुत सालों से चले आ रहे हैं, राइट, उनको एक मार्केट देने के लिए जीआई टैग्स अवार्ड किए जाते हैं। यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक स्पेसिफिक जगह को बिलोंग करता है, उसके अलावा कोई और इसे नहीं बनाता। क्लियर है बात। चलिए, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो होते हैं ये किन किन चीजों के लिए दिए जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए दिए जाते हैं, फूड स्टफ खाने पीने की चीजें, वाइन के लिए, स्पिरिट ड्रिंक्स के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या काम करता है, ये काम करने का काम है इसका कि बेसिकली दूसरों को, जो थर्ड पार्टी है, उसको कोई प्रोडक्ट बनाने के यूज से प्रोहिबिट करता है, राइट। अगर कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिएगा एक प्रोडक्ट के, तो कोई दूसरी थर्ड पार्टी उसको कॉपी नहीं कर सकती जीआई प्रोडक्ट के अंदर, राइट। वो स्पेसिफिक ओरिजिन, स्पेसिफिक लोकेशन का ही रहेगा। क्लियर। साथ ही में जीआई टैग जो है एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन और एक क्वालिटी को स्पेसिफाई करता है कि यार ये इस जगह का है और ये आईपीआर के अंदर आता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू ये प्रोटेक्टेड है। हालांकि ये पेटेंट और ट्रेडमार्क से बड़ा डिफरेंट है, पर ये एक टाइप का क्या है, आईपीआर ही है, डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ आईपीआर आप इसे कह सकते हैं। क्लियर। चलिए इंडिया की बात करें तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्रेशन होता है वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1919। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। याद रखिएगा जीआई टैग का जो एक्ट है 1999 में बना था। क्लियर है बात। चलिए साथ ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स आर अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट कम्स अंडर पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। क्लियर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स देखेंगे जो इंडिया से अवार्ड किए गए हैं अलग अलग स्टेट से। जम्मू कश्मीर टॉप से चलेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कनी शॉल, देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कुल्लू शॉल, देन उत्तर प्रदेश में बनारसी साड़ी, राजस्थान से ब्लू पॉटरी, मध्य प्रदेश से चंदेरी फैब्रिक। चंदेरी साड़ी इस मध्य प्रदेश से काफी फेमस है, राइट। साथ में गुजरात की कच्छ एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है, महाराष्ट्र से सोलापुर चादर, कर्नाटका से मैसूर सिल्क, केरला से अरनमुला कन्नड़ी, तमिलनाडु से कांचीपुरम सिल्क,
आंध्र प्रदेश से पुचमपल्ली इकत, छत्तीसगढ़ से बस्तर दकोरा, उड़ीसा से उड़ीसा इकत, वेस्ट बंगाल से नक्शी कांठा, मणिपुर से कचई लेमन, असम से मूगा सिल्क और बिहार से मधुबनी पेंटिंग्स। बहुत फेमस है मधुबनी पेंटिंग्स बिहार से। ऑलराइट, ये कुछ फेमस जीआई टैग्स हैं और इसी में हमारा आंसर भी छुपा है, अरनमुला कन्नड़ी, जो कि किसको बिलोंग करता है, केरला को बिलोंग करता है। क्लियर। चलिए साथ ही में जो रीसेंट अवार्ड किए गए हैं जीआई टैग, उन पे भी एक नजर मार लेते हैं। कश्मीर सैफरन की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर का है। देखिए हम बात करते हैं जब सैफरन की, जाफरान जो मेजरली कहां पर उगाया जाता है, आपका जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है, तो वहीं का है, नाम ही है कश्मीर सैफरन। साथ ही में मणिपुरी ब्लैक राइस, मणिपुर, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया एमसीक्यू से। कादामल हल्दी, उड़ीसा, रसगुल्ला, उड़ीसा, कोड़ैकनाल मलईपुंडू, तमिलनाडु, पौंडम मिजोरम से, मिजोरम से तीन है बेसिकली, पौंडम, गो तेखरिक और माराम। राइट, ये सारे हैंडीक्राफ्ट है, कहां से, मिजोरम से। फिर पालानी पंचमृतम, एक टाइप का प्रसाद होता है, तमिलनाडु, तोलू पोहम, तोलू पुअन, और राइट, ये मिजोरम से। साथ ही में बात करें मिजो पुंचेई, मिजोरम, गुलबर्गा तूर दाल, कर्नाटका, तिरूर बितिल लीफ, ये आती है केरला से। ठीक है, खोला चिली, चिली कहां से आती है, गोवा से, इदु मिश्मी टेक्सटाइल्स, अरुणाचल प्रदेश, डिंडीगुल लॉक्स, काफी फेमस है ये तमिलनाडु में, ताले बनाते हैं, ये जो शहर डिंडीगुल एक डिस्ट्रिक्ट है, ये ताले के लिए काफी फेमस है। राइट, फिर काडंगी सारी तमिलनाडु, श्रीविली पुत्तुर पलकोवा तमिलनाडु, देन काजी नेमू असम। कुछ फेमस जीआई टैग्स हैं, आप इनका रिवाइज भी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीसेंट जो जीआई टैग्स अवार्ड किए गए हैं वो इन इन प्रोडक्ट्स के लिए किए गए हैं। क्लियर। चलिए अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं क्या फायदे हैं जीआई टैग्स के। देखिए इससे क्या होता है, लोकल कम्युनिटी को बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लोकल इन ओरिजिन होते हैं, तो जब लोकलाइज रहते हैं तो उधर एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। राइट, इकोनॉमिक एंड सॉफ्ट पावर के रूप में ये सामने आते हैं। आज देखिए हम जब बात करते हैं 2017 की यूंग टैट की रिपोर्ट, राइट, UNCTAD की रिपोर्ट के हिसाब से चाइना की जो ग्रोथ हुई है वो हुई है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव यानी उन्होंने जो अपना जो सेक्टर है, स्मॉल एमएसएमई सेक्टर जो होता है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाला सेक्टर, उनसे उनकी काफी ग्रोथ हुई है, तो चाइना की जो ग्रोथ है उसे इंक्लूसिव टर्म किया गया है। और जीआई इकोनॉमी, जीआई टैग के प्रोडक्ट से जितनी भी कमाई होती है उसको कहते हैं हम लोग जीआई टैग इकोनॉमी। ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन की, तो इनकी 87 बिलियन डॉलर्स, 87 बिलियन डॉलर्स की तो सिर्फ जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स की इकोनॉमी है। सोच रहे हैं आप कितना पोटेंशियल है, कितना फायदा हो सकता है जीआई इंडिकेटर्स से। राइट, चाइना की ग्रोथ में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है जीआई टैग प्रोडक्ट्स का, उंग टैग की रिपोर्ट ये कहती है। साथ में आप टैलेंट और टैलेंट को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये मान लीजिए एक तरीके का स्पेसिफिक हैंडीक्राफ्ट बनाना एक स्पेसिफिक लोकल जगह की निशानी है, उन्हीं को ये कला आती है और किसी को कला नहीं आती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इससे अपना एक इंडस्ट्री खोल सकते हैं, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट ज्यादा देंगे काफी सारे लोगों को, तो बेसिकली आपकी एक इंडस्ट्री डेवलप हो गई, आपका जो टैलेंट था वो आपका बेसिकली एक बिजनेस में कन्वर्ट हो गया, एक एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट हो गया। साथ ही में आप कर सकते हैं रिवर्स अर्बन माइग्रेशन। देखिए हम सभी लोग वाकिफ हैं कितना अर्बन माइग्रेशन हम लोगों को इंडिया में देखने को मिलता है, छोटे छोटे गांव के तबके के लोग शहरों में जाते हैं काम की तलाश में। अब जब उनको काम लोकल ओरिजिन के होते हैं सारे जीआई टैग प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक ओरिजिन के, राइट, तो अगर वहीं पर काम मिलेगा उनको तो उन्हें अर्बन माइग्रेशन, अर्बन प्लेसेस पर जाने की जरूरत नहीं है। राइट, और जो लोग अर्बन प्लेसेस पे गए हैं, जब उनको दिखेगा कि नहीं मैं घर में ही एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकता हूं, तो देयर विल बी रिवर्स अर्बन माइग्रेशन, यानी अर्बन इलाकों से रूरल एरियाज की तरफ लोग जाना शुरू हो जाएंगे। क्लियर, जो कि इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए साथ ही में बात करते हैं इससे रिलेटेड ड्रॉबैक्स के लिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे जीआई टैक्स को। देखिए चाइना की बात करें, ईयू की बात करें, या अलग कंट्रीज की बात करें, वर्ल्ड में मोस्ट कंट्रीज ने जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनका बेनिफिट उठाया है, पर इंडिया अभी तक उसका ट्रू पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाया है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम तो आती है कि आप जो जीआई एप्लीकेशन का जो फाइलिंग प्रोसीजर है वो ही इतना बड़ा है। सबसे पहले तो आपको इसका रिलेशन निकालना पड़ता है
कि जीआई टैग प्रोडक्ट कितना पुराना है उसका पूरा हिस्टोरिकल आप एविडेंस ला के दें। सो ये जो प्रोसीजर है जीआई टैग की फाइलिंग का, उसे हम लोग इजी बना सकते हैं, राइट। साथ में पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज, मान लीजिए आपने कोई एक प्रोडक्ट को रजिस्ट्रेशन करवा दिया, राइट। हम मान लीजिए मिहिदाना वेस्ट बंगाल से जीआई टैग बन गया, तो जब ये वेस्ट बंगाल से जीआई टैग बना तो आपने इसके पोटेंशियल को फायदा उठाने के लिए आपने क्या सोचा है, आगे क्या करेंगे, कैसे इंडस्ट्री बनाएंगे, राइट। क्या उनके वर्कर्स को इंसेंटिव्स देंगे ताकि वो एक इंडस्ट्री बना सकें, क्या कितना उनको लोन दिया जाएगा जिससे वो अपना कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन ड्रॉबैक्स को हमें नजर में रखना पड़ेगा और इनके ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि हमारा जीआई का जो पोटेंशियल है हम उसको पूरी तरह उसका इस्तेमाल कर सकें, क्लियर। साथ ही मैं बात करें इनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी बिल्डिंग करना, लोन्स दिए जाए, पूरा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट दिया जाए ताकि ये जो स्मॉल वर्कर्स हैं लोकल इन नेचर, राइट, लोकल नो हाउ, लोग आपके जो लोकल एरियाज हैं उनको जानेंगे, अलग अलग आप कैंपेन्स चला रहे हैं वोकल फॉर लोकल, ये सारे जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं उस तरीके से आप डायरेक्टली एमएसएमई सेक्टर को हेल्प कर सकते हैं इन छोटे एरियाज से, क्लियर। साथ ही में लोकल जीआई कोऑपरेटिव बॉडीज, आप देख सकते हैं अमूल का एग्जांपल, शुरुआत कैसे हुआ एज अ कोऑपरेटिव बॉडी, आज कितनी बड़ा एक कंपनी है अमूल कंपनी जो इंडिया में एक कोऑपरेटिव बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश्ड है, राइट। तो एक जीआई कोऑपरेटिव बॉडी बना सकते हैं जिसे जीआई बोर्ड द्वारा मैनेज किया जा सकता है। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना, समझिएगा जब भी कोई बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाता है तो उसको कितना बड़ा बूस्ट मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा रेस्टोरेंट जब वो जोमेटो और स्विगी पे आ जाता है तो उसकी जो अर्निंग है, जो उसकी इनकम है, वो एकदम बूस्ट हो जाती है, उसको घर घर में रिकॉग्निशन मिलने लगता है। अगर आपके प्रोडक्ट्स में दम है, क्वालिटीज में दम है, सो आप वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा मिहिदाना को बाहरीन एक्सपोर्ट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए साथ ही में अब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा बैरियर, अगर कोई चीज अगर होनी होती तो अभी तक हो जाती, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल लिटरेसी को स्प्रेड करना है। आज भी जो लोग लोकल इन नेचर है, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपने हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, सालों पुराने टैलेंट को छुपाए, मतलब संभाल के रखा हुआ है उन्होंने, देश से छुपा हुआ, तो जब वो सामने आएगा तो किस तरीके से आप उनको सिखाएंगे चीजों को यूज करना, मोबाइल को यूज करना, मोबाइल्स पे ऑर्डर प्लेस करना, मतलब मोबाइल्स पे ऑर्डर को जो सप्लाई है उसको मीट करना, डिमांड, लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप उसके थ्रू अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं, वेबसाइट के बारे में बताना, खुद की वेबसाइट बनवाना, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल लिटरेसी देना, क्लियर है बात, विलेजर्स को रूरल एरियाज में। साथ ही में इस आंसर को आप कंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से कि जो इंडियन जीआई इकोनॉमी है, इट कैन बी अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू शोकेस द वर्ल्ड अ मॉडल फॉर एथिकल कैपिटलिज्म, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। एथिकल कैपिटलिज्म क्या है कि हम गरीब जो नीचे का तबका है उसको ऊपर लेकर आ रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, बिजनेसेस डेवलप हो जाएंगे, स्टार्टअप्स शुरू हो जाएंगे, डी अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके इशू को हम इस तरीके से बहुत अच्छी तरह डील कर सकते हैं, क्लियर। तो सारे लोग वापस अपने गाँव में जाएंगे और अपने बिजनेस शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। साथ ही में ब्रिंगिंग वुमेन टू द वर्कफोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद की रख लीजिए। अभी के अगर हम लोग फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया का 21% वुमेन है जो वर्कफोर्स में शामिल है, और ग्लोबल एवरेज की बात करें अगर हम, तो ग्लोबली क्या है, ग्लोबल एवरेज 47%। सोचिए ग्लोबल एवरेज से हम कितना दूर है, द मोमेंट हम जब ऐसे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मोस्टली घर में बनाए जाते हैं, राइट। सो मोस्टली इसमें वुमेन वर्कफोर्स बहुत इन्वॉल्व रहती है तो उन्हें काम मिलेगा, राइट। साथ ही में एक रोबस्ट डिजिटल सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं जिसके माध्यम से ये ट्रूली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, हाल ही में क्वाड समिट की बात करें, यूएन समिट की बात करें, तो मोदी साहब हमेशा मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बूस्ट रहेगा, क्लियर है बात। चलिए हम लोग हमारे एमसीक्यू का आंसर देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर सी, अरनमुला कन्नड़ी बेसिकली कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, केरला को ये बिलोंग करता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। बर्धमान सीताभोग की बात करूं मैं और मिहिदाना की बात करूं, दोनों बर्धमान जिले से, बर्धमान एरिया से आते हैं। सीताभोग और मिहिदाना में बहुत स्लाइट डिफरेंस है, मिहिदाना बेसिकली आपका बूंदी का बहुत बारीक फॉर्म है और उसके अंदर गुलाब जामुन के पीसेस होते हैं, साथ ही में सीताभोग के अंदर भी ये चावल से बनाया जाता है और उसके अंदर भी गुलाब जामुन के पीसेस होते हैं,
क्लियर। चलिए देखिए, मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ जीआई टैग। अब जीआई टैग को डिफाइन कर देंगे कि ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, स्पेसिफिक पर्पस से, ठीक है, इसकी एक रेपुटेशन बिल्ड करने के पर्पस से जो चीज एक टैग अवार्ड किया जाता है उसे हम जीआई टैग कहते हैं। व्हाई वाज इट इन न्यूज रिसेंटली, ये न्यूज में क्यों था। जब आप एग्जाम देंगे तब आप अगर करंट अफेयर्स से बने रहेंगे तो आपको पता होगा कि न्यूज में क्यों आए, अभी हाल ही में किसी को जीआई टैग अवार्ड किया गया है, आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। अगर अभी हम बात करें तो आप डाल सकते हैं कि रिसेंटली जीआई टैग प्रोडक्ट मिहिदाना फ्रॉम वेस्ट बंगाल वॉज इट्स फर्स्ट कंसाइनमेंट वॉज सेंड टू बहरीन। उसका पहला कंसाइनमेंट बहरीन एक्सपोर्ट किया गया है, जो इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही में क्या ड्रॉबैक्स आते हैं जीआई टैग के, आप बता सकते हैं कि लिटरेसी का इशू है, फाइलिंग प्रोसीजर्स का इशू है, राइट, पोस्ट रजिस्ट्रेशन एक्टिविटीज क्या किया जाए वो इश्यूज हैं, साथ ही में आप उनके सॉल्यूशंस भी इसमें दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एक बहुत ही बढ़िया मेंस आंसर बन जाएगा। आप कॉन्क्लूजन बता सकते हैं कि कैसे हम लोग एक रोबस्ट डिजिटल सिस्टम के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को, जीआई टैग इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, आशा करता हूं आपको जीआई टैग से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।